बदमाश है, किस मामले में जो है इन्वॉल्व है और आज क्या प्रोसेस है? ये 25 जून 2022 को लखनऊ कमिश्नरेट के कैंट थाना अंतर्गत एक मर्डर हुआ था वीरेंद्र ठाकुर का। तो उसमें तीन लोगों का नाम सामने आया था, बिट्टू, प्रियंका और फिरदौस का। तो कई टाइम से हम लोग की टीमें यहाँ इसमें लगी हुई थी। आज हमारे मुखबिर ने सूचना दी कि जो इसके अभियुक्त हैं वो किसी वकील से मिलने या सरेंडर के लिए जो है लखनऊ आए हुए हैं। तो उसकी सूचना पे हम लोगों ने चेकिंग टीम लगाई थी अपनी पिंक बूथ के पास। तो वहाँ पे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आते हुए हम लोग को दिखाई दी। तो जब उसको रोका गया तो उसमें से जो एक बदमाश उसमें बैठा हुआ था उसने पुलिस टीम की तरफ हमारे फायरिंग की और उसको वहाँ पे तुरंत हमारी जो पुलिस टीम है उसकी तरफ से रिटेलिएट किया गया। हमारी तरफ से दो गोलियाँ उसमें चलाई गई जो बदमाश के बाएं पैर में लगे और जो दूसरा बदमाश था वो भागने में कामयाब रहा। इससे इसको जब पकड़ा गया तो इसका नाम जो सामने आया है वो है कमलेश कुमार जायसवाल उर्फ बिट्टू जायसवाल। ये नरकटियागंज बिहार का रहने वाला है और जो 82/22 कैंट में मुकदमा दर्ज है उसका ये मेन अभियुक्त है। और मौके से हम लोग को मोटरसाइकिल मिली है पैशन प्रो और तमंचा 315 बोर का, एक इसमें जिंदा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस बरामद। मैम यहाँ पे क्या करने आया था? इसके अलावा इसने बताया कि वीरेंद्र ठाकुर की हत्या पूरे किस तरह कैसे इसने अंजाम दिया और लोग उसमें कौन लोग थे? अभी जो तहरीर मिली थी उसके आधार पे तीन लोगों का नाम था जो हम लोगों की अभी जो हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया जो चीज़ों को पता किया है उसमें ये पता चला है कि 3 से 4 लोग थे जो मौके पे गए थे जिसमें फिरदौस भी था। और अब इनसे आगे की पूछताछ हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर आगे चीज़ें मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक फुका कारतूस और 4 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार का भी ये वांटेड है? ये अभी हम लोग पता कर रहे हैं, अभी इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं। पहली पत्नी का जो नाम आया था क्या उसमें संदिग्धता है? हाँ, प्रियंका के इसमें इन्वॉल्वमेंट है पूरा। और आप लोग ये भी बताना चाहूँगी कि इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी दिया गया था मेरे द्वारा और प्रियंका और फिरदौस के ऊपर भी 25,000 का इनाम मेरे द्वारा किया गया। इसकी तरफ से कोई फायरिंग वगैरह की? हाँ, पहले फायरिंग इन्हीं की तरफ से की गई थी, उसके बाद ही रिटेलिएट किया गया। कहाँ पे गोली लगी? इनके बाएं पैर में गोली लगी।